आई है, क्या मामला है, किस लिए आपने विवाद शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ था, कौन लोग? ये दुखद घटना है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं। ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं, क्या यही उनका भाव है, क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना। मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, पकड़ो मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है, यही राजू दास है, इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है हिंदू। आज आज हम FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किए। आप वीडियो में देख सकते हो कौन किसके ऊपर हमला किया है, इसके नाते प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हम आज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके